उत्तराखंड सरकार के मंत्री राजकुमार पुरोहित जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि अब जो हालात में बदलाव हुआ है, इससे कितना बड़ा चेंज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं? देखिए, हालात में जो बदलाव हुआ है, तो पहले भी TSR थे, अब भी TSR हैं, और TSR जो है अपना बेस्ट देंगे। उन्होंने बेस्ट दिया है और ये TSR बेस्ट देंगे, और सभी कार्यकर्ताओं ने 4 साल के कार्यकाल में पहले TSR साहब को पूर्ण समर्थन दिया, और वर्तमान की जो TSR हैं उनको भी कार्यकर्ता पूर्ण समर्थन। ये कहा गया कि TSR जो पुराने वाले थे उनसे विधायक नाराज़ थे, मंत्री नाराज़ थे, आखिर फिर दिक्कत क्या थी अगर ये भी TSR हैं और वो भी TSR हैं? देखिए, किसी की नाराजगी व्यक्तिगत हो सकती है, अपने मन को लेकर हो सकती है, अपने व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है। उससे हाईकमान किसी मुख्यमंत्री को तो नहीं हटाता ना? नहीं, देखिए, ये हाईकमान का अपना फैसला है, और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, और इसलिए जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया है उसको सबने सहज स्वीकार किया है। 1 साल बाद चुनाव में जाना है आपको, फिर उसमें जो परिणाम आप देख रहे हैं, जो अस्थिरता का दौर रहा, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा, और उसी तरह का माहौल जनता में भी बना है। देखिए, जो 4 साल का कार्यकाल रहा वो उपलब्धिपूर्ण रहा, और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तीरथ सिंह जी हैं, वो उन सब विकास के कार्यों को गति प्रदान करते हुए नई जो योजनाएँ हैं उनको जनता के बीच में लाएंगे, और मैं समझता हूँ कि जनता जो है अपना पूर्ण समर्थन। मंत्री के तौर पर आपको माने कि आप अब खुश हैं इस बदलाव से? नहीं, बदलाव से, देखिए, बदलाव जो भी है, क्योंकि पार्टी का निर्णय है, तो क्यों हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए समभाव से कार्य करना है, जैसा भी निर्देश पार्टी के हाईकमान द्वारा दिया जाता है सब समान रूप से उसे फॉलो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजकुमार पुरोहित जो उत्तराखंड की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये बताया कि वो ना तो पुराने वालों से नाराज़ थे और ना नए वालों से खुश हैं, लेकिन असलियत यह है कि विधायक और मंत्रियों की शिकायत के बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की यहाँ से छुट्टी की गई। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, देहरादून। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।